हे एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिहार की एक बहुत ही फेमस रेसिपी, जो कि है बेसन की सब्ज़ी। और इसे सरसों के मसाले में बनाते हैं। ये इतनी लाजवाब बन कर आती है कि आप इसे उंगलियाँ चाट चाट कर खाओगे। मैं तो अक्सर ही इसे बनाती हूँ, तो आज सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो आप भी ज़रूर से इसे एक बार बनाएं और वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। बहुत अमेजिंग रेसिपी बनने वाली है आज। और अगर पसंद आए मेरी रेसिपी, मेरे वीडियो, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलकर बनाते हैं बिहार की बेसन की सब्ज़ी सरसों वाली। तो यहाँ एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन। उसी के साथ मैंने ऐड करा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हींग, नमक स्वाद के अनुसार, और 1/2 छोटी चम्मच लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। इसी के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर। अगर अमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। बिल्कुल उसी तरीके का बैटर बनाना है जैसा हम चीला या डोसा में बना करके रेडी करते हैं। तो एक बार में पानी ना मिला है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें इसमें पानी मिलाना है और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करके रेडी कर लेना है। जो कोई भी यूपी, बिहार या बंगाल से हैं, उनके यहाँ ये सब्ज़ी बनती ही होगी। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने ये सब्ज़ी पहले ट्राई की है या नहीं, या आपके घर में आपकी मम्मी इसे कैसे बनाती हैं। बेसन का घोल रेडी है। अब उस बेसन के घोल से हम चीला बनाएंगे। तो चीला बनाने के लिए मैं गैस पर ले रही हूँ एक तवा। तवा जब गर्म हो जाए तो उस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक साफ़ किचन के कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ लेंगे। उसके बाद इस पर डालेंगे 1 चम्मच भर के बेसन का घोल, जो अभी हमने बना कर के तैयार करा है, और इसे स्प्रेड आउट कर देंगे बहुत ही जेंटली, जैसे हम चीला या डोसा बनाते हैं उसी तरीके से। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जैसा हम डोसा बनाते हैं उसी तरीके से। इसे एक पतला लेयर में स्प्रेड कर देंगे और जब ऊपर की लेयर आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे सूख सूख जाए, तब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। और उसके बाद इसे पलट करके हम दूसरे तरफ से भी थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे। आप चाहो तो यहाँ भी इसे रोल कर सकते हो, बट मैं दोनों तरफ से सेकती हूँ ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए और उसके बाद जब हम इसे ग्रेवी में डालें तो ये तुरंत टूटे नहीं। तो दोनों तरफ से सेकने के बाद इसे बिल्कुल डोसा की तरह ही हमें रोल आउट कर लेना है और बस यहाँ पे एक बैच जो है हमारा बेसन का वो बन करके रेडी है। अब इसी तरीके से हम दूसरे बैच को भी बना लेंगे। तो टोटल 1 कप बेसन से मैं 3 चीला बना करके रेडी करूँगी और उसके बाद उसके पीसेस कट करके हम उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो एक और यहाँ पे मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तवा को पहले पानी से ग्रीस कर ले ताकि तवा का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए और इस पर जब आप बेसन का घोल डालें तो वो इस पर चिपके नहीं। अब हमें 1 चम्मच भर के इस पर बेसन का घोल डालना है। उसे जेंटली स्प्रेड आउट कर देना है बिल्कुल जैसा हम डोसा बनाते हैं उसी तरीके से। और कुछ देर इसको छोड़ने के बाद जब ऊपर से ये बिल्कुल सूख जाए तब हम इसके ऊपर तेल डालेंगे और इसको स्प्रेड आउट कर देंगे तेल, और फिर इसको पलट करके हम कुछ सेकंड्स के लिए दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। तो यहाँ गैस की फ्लेम को आपको मीडियम पे ही रखना है, हाई पे ना रखें, अदरवाइज़ ये जल जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इस चीले को अच्छे से सेक लेना है और पलट के दूसरी तरफ भी 10 से 20 सेकेंड ही हमें सेकना है। ज़्यादा देर नहीं सेकना, हमें इसको क्रिस्पी नहीं करना, बस अच्छे से पका लेना है। और फिर पलट करके जैसा हम डोसा या चीला रोल आउट करते हैं उसी तरीके से हमें इसको रोल कर लेना है और बस यहाँ पे दूसरा बैच भी रेडी है। तो इसी तरीके से हमें सारे बेसन के घोल का चीला बना करके रोल आउट कर लेना है और फिर हम आगे इसका इस्तेमाल सब्ज़ी बनाने के टाइम में करेंगे।
तो दो यहाँ पे चीला बन कर के रेडी है, तीसरा भी मैंने बना लिया है सेम प्रोसेस से। तो एक कप बेसन से यहाँ तीन चीला बन कर के रेडी हुआ। अब इसके हमें पीसेस कट कर लेने हैं। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो और आपने कभी मछली की सब बनाई है तो बिल्कुल इसी तरीके से मछली भी बनती है हमारे बिहार में सरसों वाली। तो आपने देखा मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। और अब चलिए आगे इस सब्जी के लिए एक मसाला तैयार करते हैं। मसाला पीसने के लिए मैं ले रही हूँ मिक्सर ग्राइंडर का जार, और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून पीली सरसों। अगर आप काली सरसों का इस्तेमाल करते हो तो वो भी कर सकते हो, मेरे पास पीली वाली थी इसलिए मैं पीली सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसी के साथ उसमें मैंने ऐड करा बिल्कुल थोड़ा सा प्याज एक टुकड़ा, और पूरी एक लहसुन जिसमें 10 से 12 लहसुन की कलियाँ थी, और उसका एकदम महीन पेस्ट बना कर के तैयार कर लिया। अब गैस पर मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, उसमें मैंने ऐड करा सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो गया तब मैंने उसमें ऐड करा 1 चम्मच पचफोरन और साथ में 2 लाल मिर्च। आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल जीरे का भी तड़का लगा सकते हो, बट मैं पचफोरन डाली, पचफोरन से स्वाद बढ़ के आता है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सरसों लहसुन और प्याज वाला पेस्ट जो अभी हमने तैयार करा था। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हो। इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेना है और ढक करके हम इसे 3 से 4 मिनट को खोने देंगे मीडियम फ्लेम पे। बीच बीच में चलाते रहें नहीं तो मसाले नीचे से लग जाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आपने देखा किस तरीके से तेल जो है वो बारीक सतह पर आ चुकी थी। अब इस पॉइंट पे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्योरी, और साथ में ऐड कर देंगे नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो जब कभी भी सरसों का मसाले का इस्तेमाल हमारे इधर होता है तो उसमें कसूरी मेथी डाली जाती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब इसको एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक करके हम 3 से 4 मिनट और को खोने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखो कितने अच्छे तरीके से मसाले यहाँ कुक हो गए हैं। इसको अब एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी बिल्कुल अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप डालें, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हो। मैं यहाँ 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो नॉर्मल पीने वाला ग्लास होता है उस ग्लास से। पानी को डालने के बाद एक बार मसालों को पानी में मिक्स कर लेंगे और इसे बिना ढके हम बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ फ्लेम को मैंने हाई पे रखा था और बॉयल आने के बाद इसमें ऐड कर देंगे बेसन के पीसेस जो हमने अभी कट करके रेडी करे थे। आप देख सकते हो कि अभी ये सब्ज़ी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। बेसन के पीसेस डालने के बाद इसे ढक करके हमें बस 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है और यहाँ आपकी बेसन की सब्ज़ी बन करके रेडी है। लास्ट में ऐड करें कुछ फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते और गर्मा गर्म इसे सर्व करें रोटी, राइस, पराठा, जिस किसी के भी साथ आपको खाना पसंद हो। ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है कि आप यकीनन हर दूसरे दिन इसे बनाओगे। तो आप भी ज़रूर से इसे बनाना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपके यहाँ ये सबको कैसी लगी और आपके यहाँ सबने इसे कितना एंजॉय करा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं डेली आपसे शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियोस और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दें। मैं कल फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए खाते रहे, खिलाते रहे और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।